तो क्या चल रहा है आजकल? तुम लोगों ने वो मीम तो देखा ही होगा, थ्री थिंग्स आई हेट द मोस्ट, लो बैटरी, लॉन्ग लोडिंग और स्लो इंटरनेट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से परेशान करती ही है। और मुझे लगता है स्लो इंटरनेट इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ और मुझे पता है तुम लोग भी होगे। तो आओ यार, अपनी दुखती नस को दबाते हुए अपने कानों में ईयरफोन्स लगाओ और इस बकचोदी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। इस वक्त चुनाव के माहौल चल रहे हैं, हर नेता कहेगा उसे वोट दो क्योंकि वो इस देश का विकास करेगा। लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि आखिर वो इस विकास में करेगा क्या? अरे बेटा, विकास ही विकास है, रोड पर रोड बनवा देंगे। तुम अपने घर से निकलोगे तो दो रोड के आगे दो रोड के पीछे दो रोड, आगे रोड पीछे रोड, बोलो कितने रोड। इनके हिसाब से रोड बनाने से इस देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि BSNL जो कि एक सरकारी कंपनी है वो तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है ना। इसलिए मैं BSNL के लिए कुछ प्यार भरे वचन बोलना चाहता हूँ। भोसड़ी के मादर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मक्की चूत तेरी, टक्टों के सौदागर। मैं बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जिस दिन मोदी जी, भाई और बहनों, चाइना भी इंटरनेट यूज करता है, जिस वजह से हमारा सारा डेटा चाइना के पास जा रहा है, इसीलिए आज रात को 12 बजे से भाइयों और बहनों इंटरनेट बैन किया जाता है। इंटरनेट के नाम पे हमारे पास 3G, 4G, 5G सब कुछ है, लेकिन चलता 2G तक नहीं है। नहीं, यहाँ तो विकास कर नहीं सकते, वरना रोड कौन बनवाएगा भैंचोद। अब एक ज्ञान का चोदा निकल के आएगा और बोलेगा, अरे भाई तुम अपने घर में वाईफाई क्यों नहीं लगवा रहा है? भोसड़ी का सुन, पहली बात वाईफाई का पैसा तू नहीं दे रहा है तो पचर पचर मत कर, और दूसरी बात वाईफाई के कनेक्शन के लिए यहाँ पर कनेक्शन होना भी चाहिए। मैं पिछले 2.5 साल से उसको हर महीने कॉल लगा के पूछता हूँ कि वाईफाई कब आएगा, वो मुझसे हर बार अगले महीने बोलता है, और वो अगला महीना आज तक नहीं आया। ऐसे वक्त पर एक इंसान बिना इंटरनेट के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं जिंदा हूँ अपने दोस्तों की वजह से। वैसे तो मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है, लेकिन वाईफाई मिल जाता है। मजाक कर रहा हूँ यार, क्या पता जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि भाई सरकार कोई भी हो, इंटरनेट सर्विस कभी अच्छी नहीं हो सकती, सिर्फ रोड बनेंगे भैंचोद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, लाइक मार ही रहे हो तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी मार दो। तो चलो यार, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा नेट तो चल नहीं रहा है, किसी से हॉटस्पॉट की भीख मांग के वीडियो एडिट करनी पड़ेगी और फिर अपलोड करने के लिए भी भीख मांगनी है। बाय। अबे रमेश, सारे पड़ोसियों से पूछ के किसके पास नेट बचा हुआ है। I'll stay strong with every turn of